सभी को मेरा नमस्ते। एक मुलाकात शालिनी के साथ और आज की हमारी गेस्ट है श्यामली हलदार, जो पिछले बहुत दिनों से मैं वेट कर रही थी कि इनके साथ कब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले इस शूट के लिए। और आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ श्यामली हलदार, जो इंडिया की फर्स्ट ATC ऑफिसर हैं, जो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उनके लिए। और आइए उनका इंट्रोडक्शन उन्हीं की जवान से हम लोग सुनते हैं। और ये रही श्यामली हलदार। थैंक यू शालिनी, और आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसे कि शालिनी ने कहा है, मेरे जुबानी से आप मेरा इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे। मेरा नाम है श्यामली हलदार, मैं फर्स्ट जनरल मैनेजर एयर ट्रैफिक कंट्रोल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में हूँ। तो श्यामली जी, आप ये बताइए कि अब मेरे व्यूवर्स को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या है। मैं भी चाहूंगी दर्शकों को ये चीज जानने के लिए कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है जब जहाज, हवाई जहाज या एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन, जब आप एज पैसेंजर बैठते हैं तो कैसा ये आपको लगता है, एक पायलट सिर्फ उड़ा के ले जा रहा है, पर एक्चुअली इसके पीछे हाथ होता है हम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का। पायलट स्टार्टअप मांगने के पहले हमसे पहले पूछता है क्या स्टार्टअप करे, उसके बाद कहते हैं कि हम क्या रनवे पे जाएं, और उसके बाद वो उड़ते हैं। उड़ने के पहले हमसे पूछते हैं कि हम उड़े, तो हम उनको कहते हैं क्लियर फॉर टेक ऑफ। हम कंट्रोल करते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स और जितने इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो इंडिया के ऊपर से ओवरफ्लाई करते हैं, मतलब उड़ान भरते हैं। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, तो हम खुद ड्राइवर और हैंडल कर रहे हैं, पूरे ट्रैफिक को खुद देख रहे हैं, बट ऊपर में ये सिस्टम नहीं है। आप सिर्फ ये सोचिए, रास्ते में आप जब गाड़ी चलाते हैं, पुलिस वाला जो खड़ा होता है वो जैसा लेफ्ट राइट कहता है, आप पहले जाओ, आप बाद में जाओ, सेम चीज आसमान में होता है, पर वहाँ रास्ता नहीं होता है, वहाँ कुछ इक्विपमेंट्स होता है, इक्विपमेंट्स के सहारे और हमारे ट्रांसमिशन, हम जो बोलते हैं उसके सहारे ये उड़ते हैं। तो श्यामली जी, बहुत आप जब इंडिया के आप फर्स्ट लेडी हो इस चीज, इस पोस्ट पे, तो बहुत सारी लेडीज का बहुत सपना होता होगा कि इस पोस्ट पे आने का, बट आप इस जॉब में आई कैसे? इस जॉब में उस जमाने में सबसे ज्यादा हाइप जॉब जो होता था वो था एयरपोर्ट का। मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए हमने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में अप्लाई किया। जबकि उस दौरान मुझे तीन और अच्छे जॉब्स मिले थे, जिसमें एक इंडो पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड भी था। तो श्यामली जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जनरली सारी लेडीज जो जॉब करती है, बहुत मुश्किल होता है जॉब और घर को बैलेंस करना, तो आपके लिए ये कैसा रहा, ये जर्नी कैसा चल रहा है, लाइक जॉब एंड फैमिली को बैलेंस कैसे करते हैं आप? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड यू हैव टू बी द बेस्ट इन ऑल द फील्ड्स। यही लेकर मैं बचपन से चल रही हूँ कि जो चीज मुझे करना है मन लगा के और 100% देना है, इसीलिए मैं घर भी 100% दे पा रही हूँ और प्रोफेशन लाइफ भी। आई थिंक आई एम द बेस्ट सर। मैं जितनी भी लेडीज हम लोग को देख रही है, मैं सारी लेडीज को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप अपनी बेटी की शादी के पहले आप उसको इतना एजुकेशन दें कि शादी के बाद कोई भी सिचुएशन ऐसा आए तो उस सिचुएशन में वो खड़े उतरे। तो फिर आपका ये नॉर्मल डे कैसा रहता है, होल डे का? सवेरे उठ के ही हम सबसे पहले योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार, और उसके बाद हमारे डॉटर का हम कुकिंग करते हैं, और कुकिंग के बाद हम पूरा रेडी होके घर साफ सफाई करके पूजा करके हम ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाने के बाद ऑफिस का पूरा काम करके आई कम बैक होम बाई 7:30-8 o'clock। आके फिर हम अपना खाना फिर बनाते हैं डॉटर और हमारे लिए, और एक साथ डिनर करके वी हैव आर चिट चैट एंड अ डे इज ओवर। माय गॉड, तो आप इतना सारा काम, योगा, सब कुछ करके आप ऑफिस जाती हैं। और आई हर्ड कि आपका वेट काफी ज्यादा था और आप योगा करके विदाउट गोइंग जिम और इतना टाइम भी नहीं दे पाए होंगे अपने हेल्थ के लिए, फिर भी आप। माय डॉटर इज माय इंस्पिरेशन। वाओ, सो नाइस। इनफैक्ट मैं भी आपकी डॉटर से बहुत इंस्पायर्ड और बहुत प्राउड फील करती हूँ। And I really admire her. I really pray to God that everybody gets a daughter like me. Yes. और मैं बहुत जल्दी आपकी डॉटर पे आने वाली हूँ यूट्यूब में। सॉरी टू आस्क, मेरे को पता है कि एज नहीं पूछना चाहिए, बट आपका एज अभी क्या है?
वेरी प्राउड टू से आई एम 57. तो आप किस एज में आप फिट योगा में कब स्टार्ट किया? आई टोल्ड यू 1 ईयर बैक. ओह माय गॉड, मतलब आप 56 में आप सोचिए कि आपको वेट कम करना है एंड यू प्रूव्ड इट. आई नो यू आर अ सिंगल मॉम, तो आपका तो जर्नी काफी डिफिकल्ट रहा होगा, तो कैन यू शेयर योर जर्नी? यस, माय जर्नी हैज बीन वेरी चैलेंजिंग. आज के डेट में हमारा 2 केस चल रहा है, एक हस्बैंड जो फाइट कर रहे हैं डिवोर्स के लिए और हम जो फाइट कर रहे हैं 498, दैट इज रिगार्डिंग डाउरी. आपका तो फिर डिवोर्स हो गया होगा शायद? डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है, बट हस्बैंड इज ट्राइंग फॉर अ डिवोर्स. और केस आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, आई वॉज डिवो लेफ्ट माई हस्बैंड्स हाउस इन 1994. आज के डेट में आज भी केस चल रहा है और हमने आज तक उसको डिवोर्स नहीं दिया और हमने कोर्ट आज भी जा रहे हैं. तो मैं पर्सनल हो रही हूँ, ऐसा क्या सिचुएशन हुआ कि आपको सेपरेट होना पड़ा अपने हस्बैंड से? हमारे ससुराल वाले हमें रात को 1 बजे घर से निकाल दिए थे और आई वॉज 1 मंथ प्रेगनेंट. मैंने बहुत जाके पेरेंट्स के पास गए और सब रिलेटिव्स आके उनको बहुत मनाए पर वो नहीं माने बिकॉज देयर वॉज अ क्वेश्चन ऑफ डाउरी. और इसके बाद मुझे ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स नहीं दे पाते थे बट मुझे एक सेल्फ रिस्पेक्ट था कि क्या मैं बिकने जा रही हूँ और पीपल आर गोइंग टू बाय मी और आई एम सेलिंग माय सेल्फ. तो ये शादी के कितने साल के बाद ये डॉरी मामले? ये शादी के नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो गया. ओह माय गॉड. और रात को 1 बजे आप प्रेग्नेंट? 1 मंथ प्रेग्नेंट एंड आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ द हाउस. ऑफकोर्स पूरे जितने नेबर्स थे सब नेबर्स जाके उनको समझाए रात को कम से कम बहू को रख लीजिए, बट वो नहीं माने. मेरे को तो इतना गुस्सा अभी आ रहा है ना, सीरियसली बता रहे हैं. मतलब आई टेल यू वन मोर इंसिडेंट. व्हेन माय चाइल्ड वाज जस्ट 1 मंथ ओल्ड और इसीलिए हम तो सिंगल मदर थे, अपने मासी को लेकर गए थे अगरतला. वहाँ 1 मंथ के बाद मासी जी का डेथ हो गया. तो आई वॉज विद अ 1.5 मंथ बेबी डेड बॉडी फॉर 24 आवर्स क्योंकि उस टाइम में अगरतला से सिर्फ 1 फ्लाइट दिन में आता था और मासी जी का डेथ ऐसे टाइम में हुआ कि फ्लाइट सब चले गए. नेक्स्ट डे डेड बॉडी लेके हम रात भर रहे और फिर नेक्स्ट डे 1.5 महीने का बच्चा और डेड बॉडी लेके हम कोलकाता वापस आए. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम कितने स्ट्रगल्स और चैलेंजेस से गए, बट सब चीज हमने कंफर्टेबली हैंडल किया with my daughter. Hats off you. I really feel proud of you and your daughter. Seriously. और पता है लाइफ में ना बहुत सिचुएशन आता है, तो आप अपनी बेटी को जरूर इतना एजुकेट कीजिए कि कल को वो अपने पाँव पे खड़ी हो और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे. तो श्यामी जी, आप अपने हस्बैंड को फिर डिवोर्स आप क्यों नहीं दे देते हैं? डिवोर्स हम इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि हमारे हस्बैंड ने इलीगली और एक शादी कर लिए हैं और उनके 2 बच्चे हैं. ओह, और विदाउट डिवोर्स एक हस्बैंड को 2 शादी इज नॉट अलाउड इन आवर सोसाइटी. एग्जैक्टली. तो आप तो सेकंड मैरिज किए नहीं किए हैं? हमारे साथ हमारी सिर्फ डॉटर है और मेरा वर्ल्ड टर्न अराउंड माय डॉटर ओनली. एंड यू आर हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी. दैट शोस बिकॉज़ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम एबल टू फाइट द वर्ल्ड. वेरी गुड. श्यामली जी, एंड में कोई मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए तो आप प्लीज कुछ मैसेज दे सकती हैं? जरूर. हम यही कहेंगे कि बी द बेस्ट, गेट द बेस्ट एंड हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस. एज अ लेडी वी आर नॉट वीकर सेक्शंस, वी आर माँ दुर्गा एंड माँ काली. थिंक ऑफ दैट एंड यू विल बी एबल टू चैलेंज द वर्ल्ड एंड बी द बेस्ट. और a living proof is Shalini. Oh, she, you know, she is the best. She is an incarnation of all devis. Oh my god. Ma Lakshmi, Ma Saraswati, Ma Durga aur Ma Kali. My god. Ab to matlab jitni bhi ladies hi jo aap mere ko jo compliment diye hain, to jitni bhi ladies aur ladkiyan jo girls jo dekh rahi hai sun rahi hai, wo un logon ko सेम जो मेरे को बोल रहे हैं ना, आई रियली वो मैसेज, सब मैसेज गर्ल्स को ये, आप ही माँ दुर्गा हो, आप ही माँ शक्ति हो और आप ही माँ काली हो, माँ सरस्वती हो, माँ लक्ष्मी हो, ये याद रखिए. और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ
कि आप लोग सब सफल होंगे इस दुनिया में। बहुत अच्छा श्यामली जी। तो श्यामली जी की लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आया है, लेकिन ये डटी रही, खड़ी रही, क्योंकि ये अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करती है। तो हम जितनी भी लेडीज हैं ना, जो चीज़ ठान ले वो ऐसे है ही नहीं कि नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये अभी बताइए, इस दुनिया में इम्पॉसिबल वर्ड आपके डिक्शनरी से निकालना होगा, और जिस दिन आप डिक्शनरी से इम्पॉसिबल वर्ड निकाल दोगे ना, हर चीज़ पॉसिबिलिटीज, हर चीज़ अच्छे से ईजी वे में आपका लाइफ हो सकता है। और एंड ऑफ द डे आप इतने खुश होगे, जब चैलेंजेस से आप बाहर निकल के आएंगे, आपको लगेगा मैंने कितना कुछ पा लिया है। बहुत बहुत आता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। एग्जैक्टली। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच श्यामली जी, आज आप आई और मेरे को इतना टाइम दी। मैं इस टाइम का बहुत दिनों से वेट कर रही थी आपका। थैंक यू सो मच और थैंक यू थैंक यू, बाय, टेक केयर।